नमस्कार दोस्त, मैं संदीप पटेल। मेरे YouTube चैनल लचबाई के संदीप पटेल में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। इस कहानी का नाम है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप शायद तक समझ गए होंगे कि मैं आज आपको क्या सुनाने वाला हूँ, कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। ये कहानी अकबर और बीरबल के बीच की है। एक बार क्या होता है कि अकबर और बीरबल शिकार के लिए जंगल गए होते हैं। शिकार खेलते समय अकबर के हाथ में चोट आ जाता है। चोट आने के कारण एक उंगली उनकी कट जाती है। बात समझिएगा, एक बार अकबर और बीरबल शिकार के लिए कहाँ जाते हैं, जंगल। शिकार खेलते समय अकबर के हाथ में चोट आ जाती है। चोट आने के कारण अकबर की एक उंगली कट जाती है। तब अकबर बोलता है कि हमारे साथ ऐसा घटना हो गया। तो बीरबल बोलते हैं कि मालिक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल बोलते हैं अकबर को देखकर कि मालिक जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। इतने में अकबर को गुस्सा आ जाता है कि बताओ मेरे हाथ में चोट आ गई, मेरी एक उंगली कट गई और ये बोलता है बेवकूफ़, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब अकबर को गुस्सा आता है तो बीरबल को अपने राज से बाहर निकाल देते हैं। अकबर को गुस्सा आता है कि वो ऐसा बात बोल रहा है, तो बीरबल को अपने राज से बाहर निकाल देते हैं। समय बीतता रहता है। ऐसे 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाता है। एक बार फिर अकबर शिकार के लिए जाते हैं, दूसरे मंत्री के साथ जाते हैं। शिकार खेलते समय शाम हो जाता है। जो अकबर होते हैं वो रास्ता भूल जाते हैं। जब रास्ता भूल जाते हैं तो एक आदिवासियों के इलाके में पहुंचते हैं। आदिवासियों के इलाके में तो उस समय क्या माहौल होता है, वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि अब हमको कोई इंसान की पूजा देनी है। उसी समय अकबर वहाँ से गुजरते हैं तो वो आदिवासी राजा को पा जाते हैं। बोलते हैं कि हमें अच्छा आदमी मिला, अब हमें पूजा के लिए आदमी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अकबर को लाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, नए नए उनको वस्त्र पहनाते हैं। बाद में उसका देखते हैं कि भैया देख लो, उनका कोई बॉडी डैमेज तो नहीं है, कोई उंगली कटा तो नहीं है, कोई बॉडी का पार्ट देखते हैं तो उनका एक उंगली कटा रहता है। बोलते हैं इसको हटाओ, ये कोई काम का आदमी नहीं है, हमको एकदम साफ और सुरक्षित आदमी चाहिए, स्वस्थ आदमी चाहिए, उसका कोई भी उंगली, कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं कटा होना चाहिए। और वो आदिवासी लोग राजा को छोड़ देते हैं। जब राजा जी अपने महल आते हैं तब उनको वो बीरबल की बात याद आती है कि भैया जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, और अगर उनकी उंगली नहीं कटी होती तो आज उनकी जान नहीं बचती। तो दोस्त, मैं कहानी के माध्यम से यही समझाना चाहूँगा कि हमारे ज़िंदगी में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हुई तो आप हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।